स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। एंड एज यू गाइज नो दैट बीएआरसी हैज रिलीज्ड इट्स नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट फॉर ओसीएस एग्जाम। एंड विद द रिलीज ऑफ इट्स एग्जाम नोटिफिकेशन, कन्फ्यूजन हैज ऑल्सो अराइज्ड। सो देर इज अ को इवोल्यूशन ऑफ ओसीएस एग्जाम एज वेल एज द कन्फ्यूजन। फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट कन्फ्यूजन इज वॉट इज द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर बीएआरसी। भाई इतना क्या कन्फ्यूजन है इस बात में, ये तो कुछ क्लियर क्लियर स्टेटमेंट्स है, राइट? हाँ, मैं समझती हूँ किस लेवल पे कन्फ्यूजन होता है। वो होता है जब हम डाइसी होते हैं कि यार 26 इयर्स एज लिमिट लिखी है एंड आई एम जस्ट 26 इयर्स 10 डेज ओल्ड, अब क्या, राइट? तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट है बीएआरसी की। वो मैं आपको इनसेट में लगा के भी दे दूंगी और आई विल ओरली रिसाइट एज वेल। तो ओरली बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी के लिए द एज लिमिट इज 26 ईयर्स, फॉर ओबीसी द एज लिमिट इज 29 ईयर्स एंड फॉर एससी एसटी द एज लिमिट इज 31 ईयर्स। 26, 29, 31, दैट्स इट। इसके आगे कोई एज नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे 31 इज द एज लिमिट फॉर द पीपल, ऐसे डिपेंडेंट्स जो कि 1984 के रायट्स के डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट 1984 की एज लिमिट इज 31 ईयर्स। अगेन डोमिसाइल्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं, उसमें भी आपको ईयर्स देखना पड़ेगा, तो उसकी भी जो एज लिमिट है दैट इज 31 ईयर्स है। एंड फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। देर इज एन एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स फॉर फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स। सो कितना हो गया, ओनली थ्री कैटेगरीज आर देयर, 26, 29 एंड 31, दैट्स इट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स पे आते हैं। सो पहले जनरल कैटेगरी, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड माय एज इज 26 ईयर्स 10 डेज विल बी एआरसी एक्सेप्ट माय फॉर्म। नो, बीएआरसी विल डेफिनेटली रिजेक्ट योर फॉर्म बिकॉज इट विल एक्सेप्ट योर फॉर्म ओनली इफ यू आर, जब से वो मेंशन कर रहे हैं, अगर उस दिन, अगर वो अगस्त की बात कर रहे हैं, इफ यू आर 26 00, दैट इज 26 ईयर्स 0 मंथ्स 0 डेज ओल्ड, दैट इज इक्वल टू 26 ईयर्स ओनली, उससे एक दिन भी ज्यादा दे विल नॉट एक्सेप्ट, नॉट इवन वन डे बियॉन्ड 26 ईयर्स बीएआरसी विल नॉट एक्सेप्ट योर फॉर्म। ओके, अगेन इफ यू आर 25 ईयर्स 364 डेज ओल्ड विल बीएआरसी एक्सेप्ट योर फॉर्म, दैट इज वन डे लेफ्ट टू गेट टू 26 वाला बेंचमार्क। तो यस, बीएआरसी विल एक्सेप्ट योर फॉर्म इवन इफ यू आर 25 ईयर्स 365 और 364, लाइक 365 में इट बिकम्स, समटाइम्स जब लीप ईयर नहीं होता इट बिकम्स योर 26 ईयर्स। तो हाँ, इफ इट इज 25 364 बीआरसी विल एक्सेप्ट योर फॉर्म, बट इफ इट इज 26 ईयर्स वन डे, इवन वन डे, इट विल नॉट एक्सेप्ट योर फॉर्म। सो बीआरसी में एक डे का भी जो एक्सटेंशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलर फॉर ओबीसी कैटेगरी, इफ यू आर 29 ईयर्स वन डे ओल्ड, योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, यू कांट अप्लाई टू बी आर सी एग्जामिनेशन। अगर आप 28 ईयर्स 364 डेज ओल्ड हो, हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, येस यू कैन अप्लाई, बट अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई अगर आप, इफ यू आर बियॉन्ड 29, इवन इफ यू आर वन डे बियॉन्ड, वन डे फार्दर, लाइक 29 ईयर्स वन डे ओल्ड, देन ऑल्सो यू कांट अप्लाई। इफ इट्स 29 देन इट्स 29। Again, similarly for SCSTs, it is 31. So there is no whatsoever, no age relaxation in BARC exam. ठीक है, I hope इसके साथ ये age relaxation, age limit, सारी categories की मैं बात कर रही हूँ। Here I'm not talking about biosciences only. सारी categories में only three age limits are there, 26, 29 and 31. अब बस ये age limit याद रखें, general, OBC, SCST. Okay, तो यही तीन age limits हैं, इनके अलावा कुछ भी, कोई range नहीं है, कोई relaxation नहीं है। Even if you write male, कोई relaxation नहीं है। ठीक है, वो कैटेगरीज हैं तो वो कैटेगरीज है, वो क्राइटेरिया है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। सो विद दिस, थैंक यू एवरीबडी, होपिंग कि ये कन्फ्यूजन आने वाले टाइम के लिए भी यहीं पे एंड होती है। तो ये यही है बस, अब आपको इसके अलावा इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। किसी को मैसेज, मेल, कुछ भी आप मुझसे भी पूछते हो ना इतनी बार कि 26 ईयर्स वन डे ओल्ड, 29 ईयर्स टू डेज ओल्ड, कुछ नहीं होगा। 26 00, यस यू आर एप्लीकेबल। 29 00, 29 ईयर्स 0 डेज 0 मंथ्स, यस यू आर एप्लीकेबल। 31 ईयर्स 0 मंथ्स 0 डेज, यू आर एप्लीकेबल। वो एक पर्टिकुलर डेट देते हैं जो कि मोस्टली 1 अगस्त होती है, उस डेट को आप कितनी एज के हो रहे हो आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर लो या आप खुद कैलकुलेट कर लो।
तो अगर आप एक दिन भी ओल्ड हो रहे हो तो यू कांट अप्लाई फॉर द एग्जाम. सो अगर नहीं हो यार एलिजिबल, क्या फर्क पड़ता है, कुछ बहुत ही अच्छा होगा प्रोवाइडेड आप अपने एफर्ट्स मारना मत छोड़ो. बस ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहो और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, वो कभी भी नहीं होता, और अगर वो होता है तो वो सस्टेन नहीं करता. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी. विद दिस नोट नेक्स्ट कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी चलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.